खेल और खिलाड़ियों के बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए हम लोग 18 जनपदों में 16 खेलों में 44 छात्रावासों का संचालन भी कर रहे हैं। 3 स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर और इटावा में संचालित किए गए हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज का आवासीय क्रीड़ा छात्रावास के खिलाड़ियों के लिए अब उनकी जो डाइट होती थी प्रतिदिन की, पहले या 175 होती थी, हमने बढ़ा करके 375 प्रतिदिन कर दिया है। इसके साथ ही उनके प्रशिक्षण, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, किट आदि निःशुल्क प्रदान किए जाने की भी व्यवस्था इसके साथ की गई है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावास में उत्कृष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता के दृष्टिगत 50 इंटरनेशनल खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह के मानदेय पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उन्हें अलग अलग छात्रावास और स्पोर्ट्स कॉलेजेज में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। बहनों और भाइयों, प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए, पुरुषों के लिए लक्ष्मण पुरस्कार और महिला खिलाड़ियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की व्यवस्था भी हर वर्ष प्रदेश सरकार देती है। तो जो प्रशिक्षक हैं उनके लिए अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार व खेल के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको 20,000 रुपये प्रतिमाह सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रदेश के अंदर जो हमारे खिलाड़ी वृद्ध हैं, असक्त हैं, ऐसे खिलाड़ियों को राज्य स्तर के हैं तो 4,000 रुपये, राष्ट्रीय स्तर के हैं तो 6,000 रुपये और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं तो 10,000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता राज्य सरकार अलग से उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने अपने खिलाड़ियों का बीमा भी कराया है। 140 खिलाड़ियों को एकलव्य क्रीड़ा कोष से भी आर्थिक सहायता हमने प्रदान की है। और बहनों और भाइयों, बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश के पास अपना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी होगा और यह मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे उन्हीं के नाम पर मेरठ में बन रहा है।